वेलकम टू माय हैप्पी किचन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बेसिक सेवैया खीर। तो आइए हम जान लेते हैं सेवैया में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। हमने लिया है ये 1 कप सेवैया, जो लंबी सी सेवैया आती है, मैंने थोड़ा उनको हाथों से क्रश कर लिया है। 3 से 4 स्पून शुगर, 2 इलायची, आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट जिसमें मैंने लिया है काजू और बादाम, आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं और कम ज्यादा मात्रा में यूज कर सकते हैं जैसे आपकी फैमिली को पसंद है। 1 चम्मच जितना हमने घी लिया है और ये केसर, दूध में केसर भिगोई हुई ली है, 2 से 3 स्टैंड केसर है जो मैंने पहले से ही दूध में भिगो के रखी है। हम इसमें आधा लीटर जितना दूध यूज करने वाले हैं, ऐसे हम 2 ग्लासेस हम ये पूरी सेवैया खीर बनाने में यूज करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पैन रखेंगे। जैसे ही पैन हमारा थोड़ा गर्म हो रहा है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो ये हमारा घी ऐड हो चुका है। तो हमारा ये घी गरम हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे अपनी सेवइयां। सेवइयां को हमको थोड़ा सा हल्का सा भूनना है, जैसे ही वो हल्की ब्राउन कलर में हो जाएंगी, इसमें हम और चीजें डालना शुरू कर देंगे। घी हमको बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, अदरवाइज हमारी खीर में पूरा घी घी ही दिखेगा ऊपर से। तो सिर्फ ये हल्की सेवैया भून पाए उतना ही घी डालना है। ये बात का ध्यान रखना है कि ये ज्यादा ब्राउन ना हो जाए, इसे सिर्फ हल्का गुलाबी रंग का ही रखना है। इसे 1 से 1.5 मिनट लगेगा। इसे हमें कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, अदरवाइज ये जल जाएंगी। आप देख सकते हैं इनका कलर थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे दूध। हमने अभी 1 ग्लास दूध डाला है। हम अच्छी तरह से एक बार इसको घुमा लेंगे। एक ग्लास हम और दूध का डाल देंगे। ये टोटल 1/2 लीटर दूध है। हम इसे चलाते रहेंगे और चलाने के साथ साथ हम इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे। तो ये मैंने ऐड कर ली इलायची। आप चाहें तो इसमें आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें केसर यानी सैफरन वाला मिल्क बिल्कुल एंड में डालेंगे जब इसमें एक उबाल आ जाए। हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। ये बहुत ही टेस्टी खीर बनती है। आप इसे पूरी के साथ या ऐसे ही डिनर के बाद में एज अ डेजर्ट यूज कर सकते हैं। स्टेज पे हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने लिए थे 3 से 4 काजू और 2 से 3 बादाम। इसकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
हमारे घर में थोड़ा ड्राई फ्रूट किसी भी चीज में कम पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने कम डाले हैं। और फिर एंड में हम डालेंगे इसमें केसर वाला दूध। यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा ऑप्शनल है, अगर आप जो खीर है अगर आप प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप केसर वाला दूध जरूर डालें, अदरवाइज घर में आप नॉर्मल खीर भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ गया है, मतलब हमारी ये खीर रेडी है। इसी के साथ हम अपने गैस को स्विच ऑफ कर लेंगे। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे ठंडा या गर्म जिस तरह से चाहें आप खा सकते हैं, ये दोनों ही तरह से अच्छी लगेगी। सर्व करने के लिए मैंने इसे थोड़ा केसर और आलमंड से गार्निश कर लिया है। एंजॉय।